अश्रिता सोल्जर ब्लॉग से आप सबका स्वागत है मेरे न्यू ब्लॉग में। तो आज जो है मैं अर्थ डे पर ब्लॉग बनाने जा रही हूँ, क्योंकि आज अर्थ डे है तो आप सबको हैप्पी अर्थ डे। तो इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो फ्रेंड्स, ये है मेरा ब्रदर साहित्या से और ये है मेरी सिस्टर रूपम से। हेलो। तो फ्रेंड्स, हमें प्रोजेक्ट के लिए जो जो सामान चाहिए वो है ये। फर्स्ट है ग्लू और ग्लिटर, आपके पास जो भी ग्लिटर हो वो ले लो, ऑयल पेस्टल कलर और क्रेयॉन्स कलर। अगर आपके पास ऑयल पेस्टल नहीं है तो क्रेयॉन्स भी चलेंगे। कंपास और पेंसिल, जिससे हम सर्कल बनाएंगे। ये रहे स्केच, जिससे हम आउटलाइन करेंगे। और ये सीजर, काफ़ी कुछ काटना है इससे। तो फ्रेंड्स, मैंने अपने ब्रदर का जो गोल सर्कल बना दिया है, इससे हम जो है ना लाइक का मुकुट जैसे बनाएंगे अर्थ डे के लिए। फ्रेंड्स, ये मेरा सर्कल भी बन गया है। तो फ्रेंड्स, हमने धरती का मुकुट भी बना दिया। तो फ्रेंड्स, हमने ये बना लिया है। तो अब बस इसे करना है कुछ इस तरह से फोल्ड करके, हम यहाँ पर जो है ग्लू लगा के इसे बंद कर देंगे। तो फ्रेंड्स, हमने चिपका लिया है, देखो कितना अच्छा बना है। तो फ्रेंड्स, जो अर्थ के जो ये ग्रीन पार्ट्स होते हैं वो भी मैंने बना लिया है। तो आ जाओ अब इसे कलर करते हैं। तो अब मैं ले रही हूँ डार्क ब्लू ऑयल पेस्टल, ले रही हूँ, काफ़ी अच्छा होता है। तो अब जो ऐसे ऐसे जो है इसका थोड़ा थोड़ा पार्ट जो डार्क ब्लू से करेंगे। तो फ्रेंड्स, मैंने डार्क ब्लू कर लिया, अब जो लाइट ब्लू करूँगी, जो बीच पे पार्ट्स पर है उस पर करूँगी। देखो अच्छा लग रहा है ना, ऑयल पेस्टल से किया है। इसे हम ऐसे मर्ज कर लेते हैं तो काफ़ी अच्छा बन जाता है। तो फ्रेंड्स, मेरे ब्रदर ने देखो कितना अच्छा कलर कर दिया। मैंने इसे खोल दिया था क्योंकि कलर भी करना था, मैं भूल गई थी बीच में। तो फ्रेंड्स, देखो कितना अच्छा कलर हो गया, लाइट ब्लू एंड लाइट ग्रीन, लाइट ब्लू एंड रेड। तो अब यहाँ पर जो है मैं लाइट ग्रीन और लाइट ग्रीन और डार्क ग्रीन करूँगी, सुंदर सा कलर, देखते कैसा आता है इसका। तो फ्रेंड्स, ये मैंने बना लिया, काफ़ी सुंदर लग रहा है। तो अब यहाँ पर हम बटरफ्लाइज एंड फ्लावर्स चिपकाते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं अपने ड्रेसिंग के मैच का जो है फ्लावर बना लिया है, तो काफ़ी सुंदर बना है। तो इसके अंदर मैंने डाल दिया ग्लिटर्स, काफ़ी सुंदर लग रहा है। फ्लावर अभी दिख नहीं रहा है, पता नहीं क्यों। तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर फ्लावर्स लगा दिए हैं, पर मुझे बटरफ्लाई कैसे बनाऊँ ये नहीं पता लग रहा। तो काफ़ी सारे फ्लावर्स जो हम लगाएंगे और लिप्स भी लगाएंगे तो काफ़ी सुंदर लगेगी। और मैं अभी आपका अपना ब्रदर का दिखाती हूँ, जो अभी कंप्लीट कर रहा है। तो यहाँ से जो ऐसे मर्ज कर रहा है, तो अभी इतना अच्छा नहीं लग रहा है नीचे का, पर ऊपर का बहुत सुंदर लग रहा है। तो अभी इसका ये भी करना है, तो देखते हैं कैसा बनता है लास्ट में। तो फ्रेंड्स, इसका पूरा हो चुका है, मेरे ब्रदर ने काफ़ी अच्छा कर लिया, बस इसे मोड़ना है। तो फ्रेंड्स, साहिब का पूरा प्रोजेक्ट बन चुका है और अब ये साहिब पहनेगा। तो फ्रेंड्स, बड़ी मुश्किल से जो है मैंने बटरफ्लाई बनाई और काफ़ी सुंदर लग रही है। अब इसे पेंट करते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी जो है मैंने ग्लू से लिख लिया और ऊपर स्पार्कल कर रही हूँ जैसे मैं लेके आई थी। तो ग्रीन हो चुका है, सिल्वर करते हैं। हाथ में नहीं आ रहे। काफी सुंदर लग रहा है, तो डे लिखने बाद। तो फ्रेंड्स, ये रहा मेरे ब्रदर का जो कि पूरा कंप्लीट हो चुका है, और ये रहा मेरा। तो कमेंट्स में बताना किसका, हम दोनों में से किसका ज्यादा अच्छा बना हुआ है। बाय। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।